मॉर्निंग दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जो मैंने इंट्राडे स्टॉक्स दिए थे 23 तारीख को 24 तारीख के लिए ट्रेड करने के लिए जो मैंने बताए थे अपने वीडियो में, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया 24 अप्रैल 2020 को, यानी कल के दिन। तो ये मेरे ट्रेंडिंग स्टॉक्स थे TCS और इन्फोसिस। तो देखते हैं पहले TCS और इन्फोसिस में क्या हुआ ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आइए चलते हैं, चार्ट चलते हैं दोस्तों। तो देखते हैं, ये है हमारा TCS। ये देखिए दोस्तों, TCS में क्या हुआ आप देख लो। पहली कैंडल का लो टूटा जो कि था 1830 रुपये 35 पैसा, और उसका जो बाय रेट है, हमने इसको बाय किया था दोबारा 1808 रुपये 15 पैसे पे यहाँ पे। तो हमें 22 रुपये 20 पैसे का प्रॉफिट हुआ। हमने 6 शेयर सेल किए थे क्योंकि लो टूटा था, तो हमें 133 रुपये 20 पैसे का इसमें प्रॉफिट हुआ। अब देखते हैं कि इन्फोसिस में क्या हुआ। इन्फोसिस में दोस्तों, ये रहा इन्फोसिस। इन्फोसिस में देखते हैं क्या हुआ। इन्फोसिस में भी हमारा लो टूटा, देख सकते हैं आप, 666 रुपये 15 पैसे का, और हमने दोबारा बाई किया उसको 656 रुपये 65 पैसे पे। प्रॉफिट हुआ 9 रुपये 85 पैसे का। टोटल प्रॉफिट हुआ 167 रुपये 45 पैसे का। तो ये थे दो ट्रेंडिंग स्टॉक्स। अब देखते हैं कि हमारा बुलिश में क्या था। मोइल, एपोटेक, मुदुत फाइनेंस और ग्राफाइट, ये चार स्टॉक्स थे। ठीक है, देखते हैं अभी वो चारों को, देखते हैं किस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया। ये देखिए मोइल, ये पहला स्टॉक था। देखिए इसमें फर्स्ट जो कैंडल बनी थी उसका हाई नहीं ब्रेक हुआ, इसलिए हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। तो ये इसके बाद वाला देखते हैं अब। इसके बाद वाला था एपोटेक्स। एपोटेक्स में क्या हुआ देखते हैं। देखिए इसका हाई टूटा, सॉरी ये, हाँ यस, एपोटेक्स में हाई टूटा और हाई था इसका 114 रुपये 95 पैसे का, और हमने हमारा डे का हाई बना था इसमें 117 रुपये 90 पैसे का, 2 रुपये 95 पैसे का हमें प्रॉफिट हुआ। टोटल प्रॉफिट 286 रुपये 15 पैसे का हुआ। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद है मुतूत फाइनेंस। ठीक है दोस्तों, मुतूत फाइनेंस में हमारा क्या हुआ देखते हैं। ये देखिए, ये फर्स्ट कैंडल बनी, इसका हाई ब्रेक हुआ, और हाई ब्रेक दूसरी कैंडल में हमें अपना बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो गया। देखिए 14 शेयर लिए थे, 808 रुपये 35 पैसे के डे हाई बनाया 833 रुपये 45 पैसा, 25 रुपये का 200 प्रॉफिट हुआ है। देखिए ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3% का बहुत होता है, तो 25 रुपये 10 पैसा हमें मिला और टोटल प्रॉफिट हमारा 351 रुपये 40 पैसा हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद देखते हैं, इसके बाद था हमारा मुथूट के बाद ये ग्राफाइट। ग्राफाइट इंडिया में देखिए एक ही कैंडल बनी थी और इसका मेरे ख्याल से सर्किट लग गया था, तो इसमें लो का सर्किट लगा, तो इसमें हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो हमारा कोई ट्रेड नहीं बना। अब चलते हैं दोस्तों बेयर स्टॉक के ओर। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, अंबुजा सीमेंट और महानगर गैस, देखते हैं इसमें कैसा रहा। तो मैक्स फाइनेंशियल देखते हैं पहले, सीक्वेंस वाइज देखते हैं दोस्तों। ये रहा मैक्स फाइनेंशियल, ये देखिए बेयर स्टॉक था, हमने 27 शेयर बेचे, ये लो टूटा इसका, ये पहली कैंडल का लो, ये टूटा, हाई टूटा तो हमने बाई नहीं करता था क्योंकि ये बेयर स्टॉक था, हमें लो टूटने पे सेल करना था। तो ये जो है 411 रुपये 15 पैसे का हमारा रेट रहा सेल का रेट, बाय रेट रहा 400 रुपये 60 पैसे का, प्रॉफिट हुआ 10 रुपये 90 पैसे का, और टोटल प्रॉफिट हुआ 294 रुपये 30 पैसे का। तो ये था मैक्स फाइनेंशियल। उसके बाद देखते हैं अंबुजा में कैसा रहा, अंबुजा का भी देखते हैं दोस्तों। ये देखिए अंबुजा की पहली कैंडल, हाई ब्रेक हुआ, नहीं लेना था हाई पे,
हमें तो लो पे ब्रेक होने पे लेना है, तो लो जब ब्रेक हुआ तो हमने क्या करा, यहाँ पे भी देखिए ये हाई इधर स्टॉप लॉस हिट होने वाला था लेकिन 5 पैसे की वजह से बच गए, तो चलिए बच गए हम। और यहाँ पे हमारा जो है 168 रुपये 30 पैसे का हमारा जो सेल रेट था, और दोबारा हमने बाई किया यहाँ पे जो कि 167 रुपये 30 पैसा बाइंग रेट, 1 रुपये का प्रॉफिट, 66 शेयर थे, 66 रुपये मिल गए। और अब लास्ट शेयर था हमारा महानगर गैस लिमिटेड, उसमें देखते हैं किस तरह की परफॉर्मेंस रही। चलिए दोस्तों देखते हैं, तो महानगर गैस में हमारा हमने 12 शेयर सेल किए थे और हमने 910 रुपये 5 पैसे पे, और बाय रेट हमारा रहा 890 रुपये 80 पैसा, प्रॉफिट हुआ हमें 19 रुपये 25 पैसा प्रति शेयर, 12 शेयर दे, टोटल प्रॉफिट हमारा 331 रुपये 331 रुपये हुआ। तो दोस्तों कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें 1529 रुपये 50 पैसे का प्रॉफिट हुआ, अगर इसका आधा कर लें तो 750 रुपये, 750 रुपये यानी कि 1 लाख के 0.75%। लेकिन ये हमने अपने सिर्फ कैपिटल पे विदाउट मार्जिन का ही प्रॉफिट है, अगर इसको हम 4 गुना 5 गुना 10 गुना अगर जो मार्जिन देते हैं अच्छे अच्छे ब्रोकर्स उसको लगाएं तो काफ़ी अमाउंट बनती है दोस्तों। तो हमारा जो इंटरडे जो स्टॉक्स हैं वो काम कर रहे हैं, मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि मैं आपको जो स्टॉक दे रहा हूँ एटलीस्ट उसमें आपका नुकसान नहीं हो रहा, भले आपको प्रॉफिट ना हो लेकिन नुकसान भी नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होगी, और जब मैं कोई स्टॉक देता हूँ जैसे इंट्राडे के लिए स्टॉक्स देता हूँ तो उसकी परफॉर्मेंस ज़रूर देखिए दोस्तों, मेरे बोलने पे विश्वास मत कीजिए, वो हकीकत में क्या आपको दे रहा है वो भी ज़रूर देखिए, जब आप देखेंगे तभी आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आप बेफिक्र होकर ट्रेड करेंगे। रूल्स को फॉलो कीजिए, ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए और आपको ज़रूर प्रॉफिट होगा। इसी आशा के साथ अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और वीडियोस को लाइक करें दोस्तों, धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही।